उत्तराखंड में बीजेपी के एक विधायक की हैरत अंगेज करने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बीजेपी विधायक विरोध प्रदर्शन के दौरान घोड़े पर लाठियां बरसा रहे हैं। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने घोड़े की एक टांग तोड़ दी। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी विधायक को सफाई देनी पड़ी। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी विधायक गणेश जोशी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देहरादून के एसपी सदानंद दाते ने कहा कि वीडियो फुटेज में जोशी घोड़े पर लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोशी और बाकी अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल राज्य में बीजेपी ने 14 मार्च को विधानसभा का घेराव किया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए विधानसभा के बाहर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी तैनात थे। कई पुलिसकर्मी घोड़े पर सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान एक घोड़े ने एक बीजेपी नेता को लात मार दी। इससे बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। गुस्से में मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने कथित तौर पर घोड़े की टांग पर लाठियों से हमला किया। इस हमले से घोड़े की टांग बुरी तरीके से टूट गई। हालांकि इस पूरे मामले पर विधायक जी का कहना है कि घोड़े को पूरे दिन पानी नहीं पिलाया गया था, इसलिए वो गिर गया था। जैसे ही उसे पानी पिलाया गया वो ठीक हो गया। वो सिर्फ प्यासा था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।